हेलो स्टूडेंट्स, मैं जी से स्वागत करता हूं आपका एमएचएस की ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने पहला पार्ट पूरा कर लिया था, अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये जो दूसरा पार्ट है वो नर जननांग और मादा जननांग को लेकर है। इस पार्ट में हम नर युग्मक उद्भिद और मादा युग्मक उद्भिद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही हम उसके विकास को भी देखेंगे। और इसका जो अगला चैप्टर होगा उसमें हम ये जो हम नर जननांग और मादा जननांग देखेंगे उनके बीच में होने वाली क्रियाएं देखेंगे जिसके परिणामस्वरूप बीज का निर्माण होता है। तो प्रारंभ करते हैं हम इस वीडियो को जिसमें हम नर जननांग की बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारे बुक का जो चैप्टर है दूसरा, उसमें जो पहला पैराग्राफ है वहां पर आपको कुछ चीजें बताई गई हैं। वहां पर ये बताया गया है कि जो पुष्प होता है, हमारा जो पुष्प होता है वो पुष्प क्या है, पुष्प एक रूपांतरित परो है। ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखिए, रूपांतरित का मतलब है जिसका रूप चेंज हो गया है, और आप जानते हैं कि परो का मतलब क्या होता है, तना। ठीक है, तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल रूप में हम जो है एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जो है ये तना हो गया, ये उसकी शाखा है, शाखा के अंतिम छोर पर, अंतिम छोर पर जहां पर पुष्प निर्मित होता है। तो हम एग्जाम्पल रूप में मान लेते हैं कि यहां पर जो पुष्प निर्मित हो गया, तो देखिए ये जो तना है ये उसी का ही भाग है जिससे शाखा बनी, और शाखा के ऊपर क्या बन रहा है, पुष्प बन रहा है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यहां पर भी पुष्प का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो जो तना होता है वही जो है कुछ रूप चेंज करके हम कहें कि कोशिकाओं में विभेदन के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, तने का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो तने के द्वारा और वो पुष्प का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि पुष्प जो है निर्मित हुआ है किससे, तने से ही निर्मित हुआ है। ठीक है, यहां पर इस चैप्टर में हम जो है तने के द्वारा या तने की कोशिकाओं से पूरा पूरा पुष्प किस प्रकार से निर्मित हो जाता है वो चीज भी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं पहले पैराग्राफ की। ठीक है, पहले पैराग्राफ में ये जो है थोड़ी नॉलेज वाली चीज थी इसलिए मैंने बता दी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो तना होता है, ठीक है, तना जो होता है एक बंदे भाग होता है, एक जन्मसम भाग नहीं होता, और इसके ऊपर जो छोर होता है, इसका जो ऊपरी छोर होता है वो भी एक बंदे भाग होता है। इस पर क्या होता है, जो पर्व होता है, ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, पर्व, और पर्व संधियां, यहाँ की जो पर्व संधियां होती है वो बहुत ज्यादा साथ होकर, साथ का मतलब इकट्ठी होकर अपना रूप चेंज करके किसका निर्माण करती है, कुछ चक्रों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कुछ चक्रों का। अच्छा, ये आप ये मत समझना कि ये उस प्रकार के चक्र जो हम घुमाते हैं ये उस प्रकार के चक्र नहीं है, यहाँ पर चक्रों का कुछ अन्य ही मतलब है। तो देखिए समझ आपको समझ आ जाएगा कि चक्र का मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, ये जो इसका तना होगा ये क्या करेगा, कुछ अलग अलग प्रकार के भाग निर्मित करेगा, जिसमें सबसे बाहर की तरफ बाह्य दल निर्मित होगा। सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, बाह्य दल, पुंज कह देते हैं इसको। मैं समझा दूंगा अभी कि बाह्य दल और बाह्य दल पुंज में क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले बाहर क्या होगा, बाह्य दल पुंज निर्मित होगा, उसके बाद अंदर की तरफ क्या होगा, दलपुंज निर्मित होगा। क्या निर्मित होगा, दलपुंज निर्मित होगा। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये बाहर का चक्र हो गया और ये अंदर का चक्र हो गया। चक्र से तात्पर्य है कि बाह्य दलों का समूह या दलों का समूह या अंगों का समूह, उसको हम क्या बोल रहे हैं, चक्र बोल रहे हैं। तो सबसे बाहर जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य दल बोलेंगे। उसके अंदर की तरफ क्या बनेगा, दलपुंज, या जो है अंदर वाला जो दल वो जो चक्र है उसको हम क्या बोलेंगे, दलपुंज बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जननांग वाली जो अंगक है वो उत्पन्न होंगे। तो इसके बाद निर्मित होता है कौन सा, नर जननांग। ठीक है, ये नर जननांग हम जो है मान लेते हैं। उसके बाद निर्मित होता है कौन सा चक्र, मादा जननांग वाला चक्र निर्मित होगा। ठीक है, ये नाश हो गया, ये वर्तिका हो गया, इसी के बारे में हम यहाँ पे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं कि जो पुष्प वो सॉरी प्लांट का जो तना होता है, पादप का जो तना होता है, उसके ऊपरी भाग पर क्या होते हैं, अलग अलग चक्र निर्मित होते हैं, और उन चक्रों के निर्मित होने से इसका निर्माण हो जाता है, पूरे पूरे पुष्प का निर्माण हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, रूपांतरित परो है, पुष्प जो है क्या है, रूपांतरित परो है। इसको क्या कहा जाता है, लघु बीजाणुधारी पर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु पर्ण
धारी, एक मिनट चेक कर क्या है इसका नाम, पहले पैराग्राफ में ये तो बीजाणु पूर्णधारी है क्या, बीजाणु पर्णधारी, बीजाणु पर्णधारी परो ऐसा होगा है ना, हाँ वही है ना, तो पर्णधारी परो, लघु बीजाणु पर्णधारी परो भी कहा जाता है। ठीक है, तो परो का क्या मतलब हो गया, परोह का क्या मतलब हो गया, तना, ऐसा तना जो कि लघु बीजाणु पर्ण का धारण करता है। अच्छा, लघु बीजाणु पर्ण क्या होता है, देखिए आपने पराग कण तो सुना है, ठीक है, पराग कण जो है सुना हुआ है आपने पहले भी, पराग कण, तो पराग कण जो होते हैं ना उन्हीं को ही हम लघु बीजाणु बोलते हैं, और अंडक या अंडाणु भी सुने हुए हैं, पादपों के लिए जो है जो मादा जननांग या मादा युग्मक होते हैं उनको हम गुरु बीजाणु बोलते हैं, नर युग्मक जो होते हैं या जो परागकण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। तो यहां पर क्या है कि पुष्प जो होता है वो एक ऐसा परोह होता है जो क्या करता है, लघु बीजाणु पर्ण का धारण करता है, कहने मतलब एक ऐसी संरचना का धारण करता है जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी हम बोल देते हैं, या फिर हम कह देते हैं अगर आप जो है दोनों ही तंत्रों की बात करना चाहते हैं तो वहां पर लघु को हटा दीजिए, बीजाणु पर्णधारी परो भी हम इसको बोल देते हैं, क्योंकि पुष्प में क्या होता है, देखिए नर जननांग ही नहीं होते, मादा जननांग भी होते हैं, तो नर जननांग और मादा जननांग अगर एक ही पुष्प में है तो फिर हम उसको क्या बोल देंगे, बीजाणुधारी पर्ण पर, बीजाणु पर्णधारी परो बोल देते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कौन से हमारे पहले जो पैराग्राफ है उसकी, अब जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, अच्छा जो ये जो पहला पैराग्राफ है उसमें पुष्प के कुछ भाग भी बताए हुए हैं, पुष्प के चार भाग होते हैं, पुष्प के चार भाग, ठीक है, या हम कहें कि पुष्प के चार चक्र होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से चक्र होते हैं वो देख लीजिए, अभी हमने देखा था कि सबसे बाहर का जो चक्र होता है वो कौन सा होता है, बाह्य दल पुंज, ये पुष्प का सबसे बाह्य चक्र होता है और बंदे होता है, बंदे का मतलब होता है जो हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, बांझ जिसे बोलते हैं, जो जनन नहीं कर सकता, तो यह पुष्प का एक ऐसा भाग होता है जो क्या करता है, जनन क्रिया में भाग नहीं लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, दल पुंज की, दल पुंज, ठीक है, तो यह भी कैसा होता है, बंदे होता है, यह भी जनन क्रिया में भाग नहीं ले रहा, यह बाह्य दल के अंदर वाला चक्र है। देखिए बाह्य दल जो होते हैं या बाह्य दलपुंज जो होता है वो सामान्यतः हरे रंग का होता है, जबकि जो दलपुंज होता है हम उसको पंखुड़िया कहते हैं, और ये रंगीन होते हैं, कैसे होते हैं, ये रंगीन होते हैं। ठीक है, दो चक्र ये कौन से हो गए, बंदे हो गए। इसके बाद के जो अंदर के जो चक्र है, जैसे हम मान लेते हैं नर जननांग जिसको हम पुंकेसर भी कहते हैं, इसको नर चक्र भी कहेंगे हम, नर चक्र, ठीक है, तो सॉरी गलत लिखा आप में आ गया, इसको ठीक कर लेते हैं, नर जननांग, ठीक है, तो ये नर जननांग हो गया, ये बंदे चक्र होता है, कौन सा चक्र होता है, ये बंदे चक्र होता है। उसके बाद हम बात करें मादा जननांग की, इसको हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, ठीक है, अंडप भी इसको बोलते हैं, तो ये नाम जो है इसके हैं, और ये भी कौन सा चक्र होता है, बंदनी, ये गलत हो गया, बंदे नहीं बोलते इसको, हम जो है उर्व्र, उर्व चक्र बोलते हैं, उर्व चक्र वो चक्र होता है जो कि कौन सा होता है, जनन क्षम होता है, या पर इसको जो है जनन क्षम भी बोल सकते हैं, जनन क्षम, ठीक है, ये भी हमारे जननक्षम चक्र हो जाएगा। तो ये पुष्प के जो है चार भाग होते हैं, ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है बायोलॉजी के पेपर में, पुष्प के चार भागों के नाम बताइए, तो पहला चक्र कौन सा हो गया, बाह्य दल, फिर उसके बाद दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, नर जननांग या नर चक्र, और मादा जननांग या मादा चक्र, और जिसको हम स्त्री केसर भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि पुंज का क्या तात्पर्य, देखिए पुंज का मतलब है समूह, पुंज का मतलब क्या है, समूह, जब बाह्य दल की एक सदस्य या दल के एक सदस्य की बात करते हैं तो उसको केवल हम क्या बोलेंगे, बाह्य दल। ठीक है, जैसे कोई पुष्प है, ये कोई पुष्प है, ठीक है, तो इसके जो है बाह्य दल जो है
वो पांच बाहेदल है, ठीक है, ये तीन हो गए, दो इसके पीछे है, ठीक है। तो अगर हम एक की बात करते हैं उसको तो क्या बोलेंगे, बाहेदल, उसको तो क्या बोलेंगे, बाहेदल बोलेंगे। और अगर हम पूरे ही चक्र की बात कर रहे हैं फिर उसको दलपुंज बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, बाहेदल पुंज बोल देते हैं। तो ये अंतर है किसका, पुंज और एक जो है बाहेदल का। पुंज का मतलब है हम पूरे चक्र की बात कर रहे हैं, यहां पर भी ऐसा ही है, दल पुंज का मतलब है पूरे चक्र की बात कर रहे हैं, और एक सदस्य को हम क्या बोलेंगे, दल या बाहेदल बोलेंगे। उसके बाद वैसे ही जो है नर जननांग वाले चक्र में भी है और मादा जननांग वाले चक्र में भी है, एक सदस्य को यहाँ पर क्या बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है, जिसके एक सदस्य को क्या बोलते हैं, हम अंडक बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से पूरा पैराग्राफ हो गया। इसके बाद इस पैराग्राफ में कोई जो है ज्यादा कोई मोस्ट चीज है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नर युग्मकोद की संरचना एवं, तो देखिए अब नर युग्मकोदविद की संरचना, तो देखिए नर युग्मकोदविद क्या होता है, इस चैप्टर में आप इस चीज के बारे में जानेंगे। जब पराग कण बनेगा, क्या बनेगा, पराग कण बनेगा, ठीक है, पराग कण जब विकसित होगा तो उसको हम बोलते हैं नर युग्मकोदविद। तो पहले हम बात करेंगे नर युग्मकोदविद की संरचना की, तो नर युग्मकोदविद की संरचना से पहले हमको किसकी बात करनी पड़ेगी, नर जननांग की बात करनी पड़ेगी। किसकी बात करनी पड़ेगी, नर जननांग की बात करनी पड़ेगी। नर जननांग जब आप समझेंगे तभी आपको नर युग्मकोदविद समझ में आएगा, या फिर हम कहें कि नर जननांग के अंदर ही नर युग्मकोदविद जो है विकसित होगा, तो पहले हमको नर जननांग समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसी नर जननांग की, तो अभी हमने जो है नर जननांग या पुंकेसर देखा था, तो पुंकेसर जो होता है उसके दो भाग होते हैं, ठीक है। एक भाग तो कैसा होता है, एक लंबी व्रंधनुमा संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं। ये आपने जो है बहुत बार पढ़ा हुआ है, पिछली क्लास में भी पढ़ा है, पिछले वीडियो में हमने देखा था, ठीक है। तो पुतंतु इसको बोलते हैं, ये एक जो है लंबी जो है बेलनाकार संरचना होती है, और इसके ऊपर की तरफ पाया जाता है पराग कोश। क्या पाया जाता है, पराग कोश पाया जाता है, और इस पराग कोश की संरचना को ही हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो ये पराग कोश पाया जाता है, तो नर जननांग के दो भाग होते हैं, पुतंतु और पराग कोश, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, पुंकेसर, पुंकेसर हमने समझ लिया। अब बात करते हैं लघु बीजाणु धानी की, या हम बात करें डिटेल से जो है पुंकेसर को समझते हैं। तो जब हम इसके अंदर की बात करते हैं, किसके पराग कोश के अंदर की बात करते हैं, तो जो पराग कोश अंदर से होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे मैंने क्या किया, ये जो है पराग कोश, इसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया। जैसे मान लो कि ये पेड़ है, इसके ऊपर ये पराग कोश इस तरह से लगा हुआ है, मैंने इसको यहां से काटा, और मैं जो डायग्राम बनाऊंगा वो ऐसे, जो सामने से देखने पर ऐसे जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम यहां पर हम थोड़ा सा देख रहे हैं। तो काटने पर ये कुछ जो है हमको इस प्रकार का नजर आता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का जो है पराग कोश हमको नजर आएगा, और ये जो है इस तरह से जो लंबाई में पूरा बहुत लंबा जो है ये होता है, ठीक है। तो वो हम नहीं देख रहे, बस पराग कोश को जब काटेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, दो पालियां पाई जाती है, क्या पाई जाती है, दो पालियां पाई जाती है, जिन पर इंग्लिश में लूब्स कहते हैं, ठीक है। ये दो पालियां जो है इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये जो दोनों पालियां होती है, एक योजी उत्तक, एक योजी उत्तक द्वारा जुड़ी होती है, क्या बोलते हैं उसको, योजी उत्तक बोलते हैं। ये जो इधर वाली पाली है और इधर वाली जो पाली है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है, योजी द्वारा जुड़ी होती है। जो प्रत्येक पाली होती है, इधर वाली पाली और इधर वाली पाली, इसमें क्या होता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इसमें भी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। यहां पर विशिष्ट कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विशिष्ट कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, और वो जो समूह है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, लघु बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, लघु बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पराग कोश की एक पाली के अंदर, अगर एक पाली की बात करें तो कितने लघु बीजाणु पाई जाती है, दो लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। जबकि पूरे पराग कोश की बात करें, किसकी बात करें, पूरे पराग कोश की बात करें, तो पूरे पराग कोश में टोटल लघु धानियां कितनी पाई जाती है, चार पाई जाती है, ठीक है। इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये पीएमटी में जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो सामान्यतः जो पादप होते हैं उनके अंदर जो पराग कोश होता है उसके अंदर जो ये पराग कोश है उसके अंदर जो पालिया होती है वो चार ही होती है, लेकिन मालवेसी जो कुल होता है, कौन सा, मालवेसी कुल, या इसके बारे में आपने 11th में पढ़ा है मालवेसी कुल। तो मालवेसी जो कुल होता है उसके अंदर एक ही पाली पाई जाती है, कितनी पाली पाई जाती है,
एक ही पाली पाई जाती है, तो कहने का मतलब इसके अंदर बीजाणुधानी कितनी होती है, दो होती है, ठीक है। एक पाली युक्ति पराकोष इसके अंदर पाए जाते ही एक नंबर का क्वेश्चन आपसे जो है इसमें पूछा जा सकता है, आपके जो है पैराग्राफ में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम और डिटेल से इसकी जो है बात करते हैं। तो ये जो पराकोष है इसके अंदर कितनी, दो पालियां पाई जाती हैं और प्रत्येक पाली में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, और उन कोशिकाओं के विशिष्ट कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिनसे किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, और उन कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोल देते हैं, बीजाणुधानी बोल देते हैं। मैं यहाँ पर केवल इस चैप्टर को समझाऊंगा, मैं यहाँ पर कोई परिभाषा या ऐसी चीजें नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसके आपको जो है नोट्स मिलेंगे, तो जो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें इस चैप्टर के नोट्स आपको ऊपर ऊपर मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये जो है नोट्स मिल जाते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप एक बात में जरूर मान लीजिएगा, आप उसकी फोटो कॉपी करवा के रख लीजिएगा, क्योंकि फोटोकॉपी जो होगी नोट्स होगी उससे आपको पढ़ने में बड़ा ही आनंद आएगा और अच्छी तैयारी उससे हो सकती है। अगर आप मोबाइल से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप उतना जो है आनंद नहीं ले पाएंगे और उतना जो है आपको याद नहीं होगा जितना कि नोट्स से होगा। तो आप उसको जो है डाउनलोड करवा के और फिर उसको जो है उसमें फोटोकॉपी करवाओ और फोटोकॉपी से ही पढ़ो, ठीक है, और वीडियो को देखो और फोटोकॉपी से पढ़ो। आपको जो है अगर आप चाहते हो कि डायग्राम वगैरह को बना लो, तो इसके लिए आप एक रफ कॉपी रख सकते हो डायग्राम के साथ साथ बना के, और कुछ चीजें जो मैं समझा रहा हूं जो आपको समझ में आ रही हो चीजें लिख सकते हो, ठीक है। अब आप आगे अपन बात करते हैं इसकी, तो दो पालियां हो गई, चार लघु बीजाणु धानियां हो गई, ठीक है, और ये जो लघु बीजाणु धानी है उसमें किसका निर्माण होगा, बीजाणुओं का या लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये जो लघु बीजाणु धानियां होती है इनके बाहरी तरफ क्या पाई जाती है, परतें पाई जाती है, क्या पाई जाती है, परतें पाई जाती है कोशिकाओं की, अलग अलग कोशिकाओं की क्या होती है, परतें इस तरह से जो है पाई जाती है, ठीक है, अलग अलग परतें पाई जाती हैं। तो कुल मिला के इसके बाहरी तरफ चार परतें होती है, लेकिन हम ये तब देखेंगे जब हम लघु बीजाणु धानी जो लघु बीजाणु धानी या पुंकेसर हम देख रहे हैं इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगली जो है हमारी हेडिंग यही है। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि इस पराकोष का निर्माण हुआ कैसे, जब जाके हम परतों की बात करेंगे। तो उससे पहले हम किसकी बात करेंगे, संरचना की, जो पुंकेसर है उसकी आंतरिक और बाह्य संरचना की। तो बाह्य संरचना आपने यहाँ देख ली, बाह्य संरचना अगर आपसे पूछी जाती है तो आप क्या लिखेंगे, पराकोष जो है या हम कहें कि जो पुंकेसर होता है वो क्या होता है, रूपांतरित पर्व का एक भाग है, सब जो है पुष्प का आंतरिक चक्र है, बंदे चक्र है, ठीक है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पराकोष पुतंतु, पुतंतु एक क्या होता है डंठल नुमा पतली सी बेलनाकार संरचना होती है उस जिसके ऊपर पराकोष पाया जाता है। पराकोष की बात करें तो पराकोष जो है क्या होता है, पराकोष दो पालियों से युक्त संरचना होती है, प्रत्येक पाली में जो है दो दो लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है, अर्थात कुल मिलाकर एक पराकोष के अंदर चार लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। तो बाह्य संरचना में आपको यही लिखना है। उसके बाद अब अपन बात करते हैं पराकोष की आंतरिक संरचना और साथ के साथ हम उसका जो है निर्माण भी। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जो पुंकेसर है उसको डिटेल से समझेंगे, हम पुंकेसर की बात करते हैं। तो देखिए पुंकेसर में ये पुतंतु है, और प्रारंभिक काल में क्या होता है, पुतंतु के ऊपर वाली जो कोशिकाएं वो इस तरह से होती है, ठीक है। इनमें जो है कोई पराकोष को बनाने वाली कोशिकाएं जो है पाई जाती है, कोई विशेष कोशिकाएं नहीं होती, इनकी जो कोशिकाएं हैं पुतंतु वाली वही कोशिकाएं होती है, ठीक है। इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको हम एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है, कुछ समान प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, जिनका कार्य जो है कोई विशेष नहीं होता, सभी समान प्रकार की होती है, लेकिन आगे जाके इनका जो कार्य है वो अलग अलग हो जाएगा। इनमें से कुछ कोशिकाएं तो बाह्य परत बना देगी, कुछ टेपिटम बना देगी, कुछ अंतर्थीशियम बना देगी, कुछ जो है जनन कोशिकाएं के रूप में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। बाद में क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या कर देती है, चार समूहों का निर्माण कर देती है, क्या कर देती है, चार समूहों का निर्माण कर देती है। तो देख लिया यहाँ पे डायग्राम में जो है, बड़ा डायग्राम बना देते हैं, तो कोशिकाएं क्या करती है, चार जो है समूह का निर्माण कर लेती है, ठीक है। इस तरह से जो है इन्होंने क्या कर दिया, चार समूह का निर्माण कर दिया, ठीक है, चार समूह बन गए, क्योंकि यहां पर जो है बीजाणु धानी भी कितने बनने वाली है, चार बनने वाली है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं हैं ये सामान्य तौर पर वैसी कोशिकाएं होती है जैसे कि किस पे पाई जाती है, पुतंतु में पाई जाती है, लेकिन बाद में जाके क्या हो जाता है, ये जो कोशिकाएं हैं इनको ज्यादा पोषण मिलने लग जाता है, और जब ज्यादा पोषण मिलने लग जाता है तो ये क्या हो जाती है, आकार में अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी कोशिकाएं हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बड़ी बड़ी कोशिकाएं हो जाएंगी। तो ये जो चार समूह बने हैं वो क्या हो जाएंगे,
बड़ी बड़ी कोशिकाओं युक्त हो जाएंगे। जब ये कोशिकाएं बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो हम उनको क्या बोल देंगे, अध्यस्तवक कोशिकाएं बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अध्यस्तवक कोशिकाएं बोल देंगे। किताब में इसका नाम लिखा हुआ है, हाइपोडर्मल कोशिकाएं जो इनको कहते हैं। ठीक है, ये चार समूह जो है हो गए, और इनमें जो है पोषण आने से जो है किसमें चेंज हो गई, अध्यस्तवक कोशिकाओं में चेंज हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो समूह है इनमें से क्या होगा, एक दो कोशिकाएं क्या होती है कुछ और ज्यादा पोषण प्राप्त कर लेती है। ठीक है, और ज्यादा क्या हो जाती है, संगम जीव द्रव्य युक्त हो जाती है, और बाकी की जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, एक दो कोशिकाएं क्या होती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, और बाकी कोशिकाएं जो है इन इस एक कोशिका को पोषण देते देते क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अधिकतर पादपों में ऐसा ही होता है कि जो अधिकांशतः कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, पोषण देने का कार्य करती है और दूसरी कोशिकाओं को पोषण देकर खुद नष्ट हो जाती है। इस तरह से जो है कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनमें क्या हो जाएगा, ये जो कोशिकाएं बनी हैं, ये जो विशेष कोशिकाएं बनी हैं, इसको हम प्रप्सु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रप्सु कोशिका कहते हैं, और इंग्लिश में इसको आर्किपोडियल कोशिका कहा जाता है। प्रप्सु कोशिका बन गई है। ठीक है, अब मैं जो है पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, यहां पर मैं केवल इस एक प्रप्सु कोशिका को ही लेकर चल रहा हूं। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये जो प्रप्सु कोशिका होती है इसके अंदर एक परिणत विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिणत विभाजन हो जाता है। परिणत विभाजन इस प्रकार से हो गया। परिणत विभाजन जब होता है तो जो ये जो त्वचा है, जैसे मान लो परिणत विभाजन ऐसे हो गया इसका, तो ये जो त्वचा है ना, त्वचा की तरफ वाली जो कोशिका, ये कोशिका धीरे धीरे और ज्यादा पोषण इसको दे देगी और धीरे धीरे सारी कोशिकाएं क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये जो त्वचा वाली, बाह्य त्वचा की तरफ वाली जो कोशिका, ये जो कोशिका बनी है, विभाजित हो गया, परिणत विभाजन हो गया और दो कोशिका बन गई, तो बाहर वाली जो कोशिका है, ठीक है, बाहर वाली कोशिका भित्ति का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? भित्ति का निर्माण करेगी। कहने का मतलब जो पराग कोश की जो भित्ति बनेगी, जो आवरण बनेंगे, मैंने बताया था ना चार आवरण पाए जाते हैं, उसके लिए ये कोशिका बनी है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्राथमिक, इधर लिख देते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक है, और बाहर वाली बनेगी, और जो अंदर वाली है इसको क्या कहेंगे, क्योंकि जो अंदर वाली कोशिका ये क्या करती है, या तो ये अर्धसूत्री विभाजन कर लेगी, क्योंकि अभी तक देखिए ये जो पूरा प्लांट है वो पूरी प्लांट बॉडी कौन सी है, 2n, तो फिर ये भी कोशिकाएं कौन सी होगी, 2n होगी, और यहां तक भी कौन सी है, 2n, और अभी भी कौन सी कोशिका है, 2n, लेकिन इधर तो हमको जब युग्मक बनेंगे तो कौन से बनाने हैं, अर्गुणित बनाने। तो इसके लिए क्या होता है कि जी कोशिका होती है नीचे वाली या बाहर की तरफ वाली जो कोशिका है वो तो क्या करती है, आवरण बनाती है, तो आवरण तो जो 2n ही बनता है, लेकिन अंदर वाली कोशिका है वो क्या करेगी, पराग कणों का निर्माण करेगी। तो पराग कणों का निर्माण करेगी तो उसको कैसा होना चाहिए, अर्धसूत्री होना चाहिए, या फिर हम कहें कि अगुणित होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करती है ये कोशिका, क्या करती है, आगे जाकर अर्धसूत्री विभाजन करेगी, या फिर क्या करेगी, समसूत्री विभाजन कर देती है। अब समसूत्री विभाजन करने से आप समझ लेंगे भित्ति बना देगी, भित्ति नहीं बनाएगी ये, लेकिन ये क्या करेगी, अपनी जैसी बहुत सारी कोशिकाएं बना देगी। क्योंकि आपको पता है कि हमेशा जो नर कोशिकाएं या जो नर युग्मक होते हैं वो संख्या में ज्यादा बनाए जाते हैं, बजाय किसके, मादा युग्मक की तुलना में ये जो नर युग्मक होते हैं वो ज्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि नर युग्मकों को गति करनी होती है एक पादप से, या हम कहें कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, तो जगह पे जगह चेंज करने के दौरान क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट होने के कारण क्या होता है, ज्यादा संख्या बनाए जाते हैं ताकि कुछ जो युग्मक होते हैं वो मादा युग्मक तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये करेगी, या तो क्या कर लेती है, अभी से ही अर्धसूत्री विभाजन कर देगी, अर्धसूत्री विभाजन करके किसका निर्माण कर देगी, परागकण का निर्माण कर देगी, या फिर क्या करेगी, ये समसूत्री विभाजन करती है और बीजाणुजन कोशिकाएं बना देती है। क्या बना देती है, बीजाणु जन कोशिकाएं। तो देखिए आपको मेरा सिद्धांत याद होगा, मैं आपको बार बार बताते रहता हूं, आपको जो शब्द है वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, बीजाणु, क्या लिखा हुआ है, बीजाणु। अब बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, नर बीजाणु और गुरु बीजाणु, या फिर हम कहें कि लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, बीजाणु लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, आगे जाके बीजाणु बनाएगा, क्योंकि यहां पर इसके आगे क्या लिखा हुआ है, जन, जन का मतलब जन्म देने वाला, तो ये आगे जाके ये कोशिका किसको जन्म देगी, पराग कणों को, वो जो नर युग्मक है उनको जन्म देगी, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बीजाणु जन कोशिका बोल रहे हैं। ये मादाओं में भी ऐसे बनती है कोशिकाएं जो कि आगे जाके मादा युग्मक बनाती है, तो उसको फिर गुरु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु जनन कोशिका भी आप कह सकते हैं, और बीजाणु जन कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बन गई, प्राथमिक
इसको इधर लिख देते हैं, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। ठीक है, क्या हो जाएगी, बीजाणु जन कोशिका हो जाएगी। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि अंदर वाली जो कोशिका है वो तो क्या करेगी, या तो सूत्र विभाजन करेगी, या तो ये सूत्र विभाजन कर सकती है, या फिर समसूत्र विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो अंदर की तरफ तो क्या होगा, इसमें किस प्रकार के चेंजेस होंगे, अगले डायग्राम में देखते हैं हम। तो अगला डायग्राम देखिए, जैसे ये पुतंतु हो गया, ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो इधर की ये जो कोशिका है इसमें जो दो भाग बने, अब ये क्या करेगी, जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये इस प्रकार से विभाजन करना चालू कर देगी। ठीक है, और ये कोशिकाएं धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, इस तरह से बढ़ने लग जाएगी। और ये जो कोशिका है ये क्या करेगी, समसूत्री, अगर ये समसूत्री विभाजन कर लेती है तो क्या हो जाएगा, इस तरह से जो है कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी कोशिका बोलेंगे, बीजाणु जन कोशिका बोलेंगे, बीजाणु जन कोशिका। ठीक है, बीजाणु जन कोशिका इसको बोल देंगे। तो मध्य में क्या पाई जाएगी, बीजाणु जन कोशिका पाई जाएगी। अभी जो बीजाणु जन कोशिका होती है वो क्या होती है, एक समूह बनाकर रहती है, और जो ये बीजाणु जन कोशिकाओं का समूह होता है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, लघु बीजाणु धानी। क्या बोल देते हैं, बीजाणु, ये बीजाणु जन कोशिका समसूत्री विभाजन करेगी, नहीं, ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है, जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होगी वही क्या करे, वो प्राथमिक भित्तीय कोशिका नहीं, सॉरी, ये जो प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका है, बीजाणु जन कोशिका अभी कौन सी है, 2n प्रकार की है। ठीक है, तो इसकी दो कंडीशन होती है, जिन पादपों में कम बीजाणु बनते हैं या कम परागकण बनते हैं वो तो क्या करते हैं, इनमें अभी से ही क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। क्योंकि अर्धसूत्री अगर विभाजन हो गया तो ये जो, अगर जैसे मान लो कि यहां पर एक कोशिका है, यहां पर क्या, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक चार लघु बीजाणु धानियां, चार कोशिका है। तो अगर ये अर्धसूत्री विभाजन कर लेती है, हम जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाएं बनती है, चार ही बनती है। ठीक है, तो चार ही कोशिका यहां पर क्या होगी, बनेगी। तो कहने वाले प्राकरण में कितने बनेंगे, चार ही बनेंगे। तो ये उन पादपों में होता है डायरेक्टली अर्धसूत्री विभाजन, उन पादपों में होगा जिनमें प्राकरण क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। लेकिन अगर प्राकरण ज्यादा मात्रा बनाने, तो ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है पहले, और अपनी संख्या में वृद्धि करती है, फिर संख्या वृद्धि हो गई, फिर उसके बाद ये अर्धसूत्री विभाजन करती है, फिर वापस से क्या बना देती है, प्राकरण बना देती है। ठीक है, मतलब ये दो कंडीशन कर सकती है, या तो डायरेक्ट प्राक वो बीजाणु बना सकती है, प्राकरण बना सकती है, या फिर क्या कर सकती है, पहले जो है अपनी संख्या में वृद्धि करेगी और फिर प्राकरण बनाएगी। तो क्या होगा, पहले संख्या वृद्धि कर लेगी और फिर प्राकरण बना लेगी। ठीक है, इस तरह से जो है ये बीजाणु जन कोशिका, और अब ये जो समूह बनेगा, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, लघु बीजाणु धानी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, लघु बीजाणु धानी। तो यहां पर आपने ये समझ लिया कि लघु बीजाणु धानी क्या होती, किस प्रकार से बनती है। ठीक है, अभी क्या होगा, इस तरह से ये इधर तो विभाजित, मतलब संख्या में वृद्धि करके इधर चारों तरफ फैल जाएंगी, और ये जो चार है ये कोश, ये जो है इस तरह से कोशिकाएं बढ़ती रहेंगी, इधर ही बना देते हैं। ठीक है, ये जो इधर वाला भाग है, ये वाला भाग यहाँ है, इसकी भी कोशिकाएं क्या होंगी, इस तरह से वृद्धि करेंगी और आपस में मिल जाएंगी, और इस तरह से क्या हो जाएगा, चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक आवरण का निर्माण हो जाएगा। फिर क्या होता है कि ये कोशिकाएं क्या करती है, इस तरह से विभाजित करती है। ठीक है, इस तरह से विभाजित करने से क्या हो जाएगा, पहले केवल कितनी परत बनी थी, एक परत, अब कितनी हो जाएगी, दो परत बन जाएगी। ठीक है, धीरे 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 ये क्या होती है, और ज्यादा विभाजित होती रहती है अंदर की तरफ, और ये जो कोशिकाएं हैं, बीजाणु जन कोशिकाएं, वो धीरे धीरे क्या होती रहती है, आगे की तरफ बढ़ती रहती है। ठीक है, मतलब मध्य की तरफ बढ़ती रहती है, और यहां पर क्या हो जाएगा, आवरण का निर्माण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक भित्तीय जो कोशिका होती है वो तो क्या करेगी, प्राकोष के आवरणों का निर्माण करेगी, और प्राथमिक बीजाणु जन जो कोशिका है वो आगे जाकर किसका निर्माण कर देगी, बीजाणु धानी का निर्माण कर देगी, और बीजाणु धानी में किसका निर्माण हो जाएगा, पराकणों का निर्माण हो जाएगा। अब हम समझेंगे किसको, ये जो इसके आवरण बनेंगे उसकी संरचना को देख लेते हैं, क्योंकि अब आप ये देख ही चुके हैं कि अंदर की तरफ किसका निर्माण हो रहा है, पराकणों का, बीजाणु धानी पराकणों का निर्माण हो रहा है, और बाहर की तरफ किसका निर्माण हो गया, आवरण का। तो अब हम देखेंगे कि जो प्रपशु कोशिका थी उसके द्वारा दो भाग बने, प्राथमिक कोशिका और प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका तो किसका निर्माण कर लेगी, जो स्तरों का निर्माण करेगी। अब वो स्तर क्या होते हैं, देखिए, सबसे बाहर वाला जो स्तर होता है वो तो क्या करेगा, सुरक्षा कार्य करेगा। मध्य के जो स्तर होते हैं, ठीक है,
चार स्तर बनेंगे, सबसे बाहर वाला स्तर सुरक्षा कार्य करेगा और मध्य के जो स्तर होते हैं वो क्या करते हैं, परागकण जो बन रहे हैं, ये जो बीजाणुधानी से परागकण बन रहे हैं इनको क्या करेंगे, पोषण प्रदान करेंगे, क्या करेंगे, पोषण प्रदान करेंगे। और सबसे अंदर की तरफ बीजाणुधानी से ठीक पहले जो स्तर पाया जाता है उसको बोलते हैं टेपिटम, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, टेपिटम। ठीक है, ये टेपिटम जो होता है ना वो परागकणों को बहुत ज्यादा विशिष्टता प्रदान करता है, जैसे परागकणों को चिपचिपा बनाता है, परागकणों को सुगंधित बनाता है, ठीक है, परागकणों को धूप से बचाने के लिए जो उनके ऊपर स्पोरोपोलिन का भी निर्माण करेगा, तो वो स्तरों में हम समझेंगे। अब हम देखते हैं एक एक करके स्तर, तो पहले हम प्राथमिक जो भित्तीय कोशिका है उससे बनने वाले स्तरों की बात करेंगे और फिर बात करेंगे प्राथमिक बीजाणु कोशिका से बनने वाले बीजाणुधानी, या हम कहें कि जो लघु बीजाणु है परागकण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या प्राथमिक भित्तीय से बनने वाले, देखिए भाई, तो अब हम बात करते हैं परागकोष की भित्ति की। तो जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है वो आगे जाकर किसका निर्माण कर देती है, परागकोष भित्ति का निर्माण कर देती है। जो परागकोष भित्ति होती है उसमें बाहर से, जैसे ये परागकोष है, ये परागकोष है, तो बाहर से अंदर की तरफ जो है ये स्तर इसी क्रम में पाए जाते हैं, सबसे बाहर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। तो सबसे बाहर जो स्तर पाया जाता है वो पाया जाता है कौन सा, एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा का जो स्तर होता है ये कौन सा क्या होता है, इसमें एकल कोशिकीय स्तर, कहने का मतलब यह है कि केवल मात्र एक कोशिका मोटा होता है, मतलब कोशिका का केवल और केवल कितना स्तर पाया जाता है, एक स्तर पाया जाता है। और काम क्या करता है, काम क्या करेगा, परागकोष की सुरक्षा करेगा, बस आपको इसके बारे में इतना याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे स्तर की बात करते हैं, अंतःथीशियम या फिर एंडोथीशियम। देखिए पीएमटी के लिए या फिर कॉम्पिटिशन के लिए जो है यहां पर एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनता है, वो बताऊंगा मैं, पहले देख लेते हैं हम। ये भी जो है एकल कोशिकीय स्तर ही होता है, कौन सा स्तर होता है, ये भी एकल कोशिकीय स्तर होता है, ठीक है। और ये इस स्तर की जो कोशिकाएं होती है, जैसे थी हम मान लेते हैं, जैसे ये जो स्तर है इसकी ये कोशिकाएं हैं इस तरह से, ठीक है, ये कोशिकाओं का स्तर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियों में अल्फा सेलुलोज का स्तर पाया जाता है। अल्फा सेलुलोज एक पदार्थ होता है, तो क्या होता है इसका जो है, जैसे जो इनकी जो रेखाएं, जैसे जहां पर ये कोशिकाएं टच हो रही हैं, तो इनमें क्या होता है, ये जो स्थान है यहां पर क्या पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है और बाहर की तरफ नहीं पाया जाता। तो इस तरह से जमाव पाए जाने के कारण जो कोशिकाएं हैं, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यहां पर इस तरह से यू आकार हमको दिखाई देता है, किसी कारण, अल्फा सेलुलोज के जमाव के कारण। तो अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है, जो कोशिकाएं होती है उनकी आंतरिक स्पर्श रेखीय जो भित्तियां होती है, मतलब ये जो कोशिकाएं एक दूसरे में स्पर्श कर रही है, जिसकी जो बीजाणु की जो भित्तियां हैं इनमें अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो है थोड़ा अलग रंग प्रदर्शित करती है या फिर यहाँ पर यू आकार की हमको पट्टियां नजर आती है। तो ये इस स्तर को पहचानने की जो है एक जो है मुख्य लक्षण के रूप में माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फा सेलुलोज का जमाव पराग कोष के कौन से स्तर में पाया जाता है, कौन से स्तर में पाया जाता है, अंतःथीशियम स्तर में पाया जाता है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य स्तर, तो मध्य स्तर जो होता है वो एक से, अच्छा इसमें एक और चीज देखिए, यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वो आर्द्रता ग्राही होती है, ये भी एक बढ़िया अपने पॉइंट है, ये के इसका लाभ होता है, परागकोषों को इसका लाभ होता है। आर्द्रता ग्राही का मतलब होता है कि जो कोशिका होती है इनके अंदर जल भरा होता है, ये वातावरण से जल को अवशोषण करती है, पादप के जो जल होता है उसको अवशोषित करती है और अपने अंदर समा कर रखती है। लेकिन जब वातावरण में जल खत्म हो जाता है, जब वातावरण में जल खत्म हो जाएगा या पादप को जल नहीं मिलेगा, तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जल की कमी होने के कारण ये कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है। और जब ये कोशिकाएं नष्ट होती है, जैसे मान लो कि ये परागकोष है, ठीक है, यहाँ पर ये कोशिकाएं पाई जा रही है, ठीक है, जब ये कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है तो नष्ट होने से क्या हो जाता है, ये जो परागकोष होगा ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, स्फुटन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्फुटन हो जाएगा। और पराग कोष के अंदर जो पराग कण बने हुए, पराग कोष के अंदर क्या बने हुए, पराग कण, वो पराग कण क्या हो जाएंगे, ये जो इसके फटने से जो स्थान बनेगा उस स्थान से उड़कर क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पराग कोष के स्फुटन में भी ये क्या करते हैं,
ये जो स्तर है वो बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। स्फुटन का मतलब होता है पराग कोष का फटना और पराग कणों का बाहर निकलना, क्योंकि हमने देखा कि पराग कोष जो है क्या होती है, बंध संरचना होती है, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। तो पराग कण जब बाहर निकलेंगे तभी तो मादा जननांग तक पहुंचेंगे। तो पराग कणों का फटना, वो पराग कोष का फटना और पराग कणों का बाहर निकलना क्या कहलाता है, स्फुटन कहलाता है। और उस स्फुटन में कौन सा स्तर सहायक होता है, अंतःतिश्यमय स्तर सहायक होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कौन से अगले स्तर की, मध्यजनन स्तर। मध्यजनन स्तर के बारे में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना, बस ये 2 से 3 कोशिकीय स्तर होता है और अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक का मतलब कम समय तक ही रहता है और जब ये स्फुटन की क्रिया होती है तो अपने आप ही जो नष्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये जो है बहुत बार पूछा जाता है इसका क्वेश्चन, पोषउत्तक और टेपिटक। देखिए ये सबसे बाहर का स्तर था तो ये कौन सा स्तर हो गया, सबसे आंतरिक स्तर होता है। ठीक है, वैसे इस स्तर को टेपिटम नाम दिया जाता है लेकिन पोष उत्तक भी कहा जाता है। देखो पोष उत्तक का क्या मतलब है, यहां पर ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पोष प्लस उत्तक, इस शब्द से जो है ये मिलकर बना हुआ है। तो पोष का मतलब है पोषण और उत्तक का मतलब है उत्तक, आप जानते हैं कोशिकाओं का समूह। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जो कि क्या करता है, पोषण देगा। अब यहां पर पूरे पराग कोष के अंदर पोषण तो केवल एक ही चीज को चाहिए, किसको, पराग कणों को। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह या पराग कोष सबसे आंतरिक स्तर जो क्या करता है, पराग कणों को पोषण देता है। पराग कणों को क्या देता है, पोषण देता है, वो स्तर क्या कहलाता है, टेपिटम कहलाता है। इस तरह से इसकी परिभाषा हो जाएगी। अभी देखो यहां पर परिभाषा से आपको पराग, ये जो टेपिटम है इसका एक कार्य हो याद हो गया, क्या याद हो गया, ये क्या करेगा, पोषण देगा। तो पोषण देने का कार्य इसका होता है। इसके अलावा पोषण देने के अलावा भी जो कोष उत्तक होता है, जो टेपिटम स्तर होता है, वो कार्य करता है, किसका कार्य करता है, एक स्त्रावी की तरह कार्य करता है। ये जो स्तर होता है स्त्रावी की तरह कार्य करता है। जिन कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावी प्रकार का कार्य किया जाता है तो उनमें क्या होता है, ये जो जैसे हम मान लेते हैं कि टेपिटम की एक कोशिका है, इसके अंदर क्या होता है, छोटी छोटी वसा युक्त प्रकृति या फिर हम कहें कि वशीय प्रकृति की कुछ गोलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वशीय युक्त गोलिकाएं पाई जाती है, हम इनको क्या बोल देते हैं, प्रोयुबिस्काय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोयुबिस्काय कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोयुबिस्काय होता है इसके ऊपर क्या होता है, एक अन्य पदार्थ, एक बहुत ही कठोर पदार्थ होता है जो पराग कणों के लिए बहुत जरूरी होता है, उसको बोलते हैं हम स्पोरोपोलिनिन। क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन। तो ये जो स्पोरोपोलिनिन है, जब प्रोयुबिस्काय पर स्पोरोपोलिनिन जमा हो जाता है तो फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, युबिस्काय बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, युबिस्काय बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो युबिस्काय है, जब पराग कणों का निर्माण होगा, लघु बीजाणुधानी पराग कणों का निर्माण होगा, तो ये युबिस्काय जो है पराग कणों के ऊपर जा जाके फूट जाएंगे और इनके फूटने से पराग कणों के ऊपर क्या हो जाएगा, एक कठोर आवरण बन जाएगा जो कि किसके द्वारा निर्मित हो रहा है, युबिस्काय द्वारा निर्मित हो रहा है। और एक कठोर आवरण इसलिए बन रहा है ताकि जो धूप पड़ती है या फिर जैसे मान लो कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो हो सकता है इसको जो है अनेक कठोर सतहों से क्या करना पड़े, रगड़ खानी पड़े या फिर किसी जानवरों के पैरों में भी आना पड़े। तो पराग कणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पराग कणों के ऊपर एक कठोर आवरण बनाया जाता है जो किसका होता है, स्पोरोपोलिनिन का होता है। ये पराग कणों के लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखता है। और ये जो स्तर है वो किसके द्वारा बनाया गया, युबिस्काय के द्वारा बनाया गया। ये युबिस्काय कहां बने, टेपिटम की कोशिकाओं में बने और किसके द्वारा बने, प्रोयुबिस्काय, वशी प्रकृति की गोलिकाएं थी उनके ऊपर स्पोरोपोलिनिन पदार्थ इकट्ठा हुआ और उनको उनसे क्या बन गए, युबिस्काय बन गए। तो इस तरह से जो है ये टेपिटम जो है स्त्रावी प्रकार से भी कार्य करती है। इसके अतिरिक्त ये क्या करती है, कुछ पादपों में जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो विशेष गति भी प्रदान करती है, मतलब ये कोशिकाएं चल भी सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो है गति प्रदर्शित करती है। उस प्रकार की जो टेपिटम होती है उसको हम अमीबीय टेपिटम कहते हैं। क्या बोलते हैं, अमीबीय टेपिटम बोलते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने जो है ये टेपिटम देख लिया है, पादप जो है पादप के लिए या हम कहें कि पुष्प के लिए टेपिटम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। किताब में ऐसा भी लिखा हुआ है या फिर जो है ऐसा भी होता है कि टेपिटम कि अगर किसी पुष्प में टेपिटम अल्प विकसित होती है तो पुष्प पूरी तरह से विकसित ही नहीं होता है, पुष्प जनन सम ही नहीं हो पाता है, ऐसा भी किसी किसी पादप में देखा गया है। तो हमने बात कर ली किसकी, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति बनी थी वो प्राथमिक कोशिका भित्ति पराग कोष में क्या करती है,
चार स्तरों का निर्माण कर देती है, वो चारों स्तर के बारे में हम देख चुके हैं। तो जो आंतरिक कोशिका होती है वो आंतरिक कोशिका किसका निर्माण करेगी, बीजाणुओं का निर्माण करेगी। तो हम अगली वीडियो में अब क्या करेंगे, बीजाणुओं के बारे में देखेंगे, लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, उनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे, लघु बीजाणु चतुष्क की बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर इसी में समझा देंगे लघु बीजाणु को भी तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि आपके लिए थोड़ा दुविधा कारक रहेगा। ठीक है, अभी शुरू शुरू में जो है हम छोटी छोटी वीडियो से ही प्रारंभ करते हैं, फिर बाद में जो है लंबी वीडियो भी हम देख लेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और बायोलॉजी का कोर्स जो है अब ठीक तरह से चल रहा है, तो आप इन वीडियो को जो है दूसरों को शेयर करते रहिए, ताकि आप उनको भी जो है बायोलॉजी की नॉलेज जो है मिलती रहे, और इस लॉकडाउन में वो भी जो है अपनी स्टडी या पढ़ाई को जो है निरंतर जारी रख सकें। ठीक है, थैंक यू।